कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जा रहा है। दिवाली के पहले शनि मार्गी, शुक्र का कन्या में और बुध का वृश्चिक में गोचर हो रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और कलिका की पूजा होती है। आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किसके लिए शुभ और किसके लिए सामान्य रह सकता है यह अवसर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन तीन राशियों का जिनका भाग्य उदय होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करें तो वह मेष राशि। आपकी राशि पर से राहु का साया हट गया है, अब गुरु ही विराजमान हो रहे हैं। गुरु की कृपा से भाग्योदय होगा, नौकरी और व्यापार में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरु की कृपा आ रही है तो आप नए नए नॉलेज लेंगे, नए नए चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे, लोगों को अच्छी एडवाइस देंगे। कुल मिलाकर आपका इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरी राशि जो है वह धनु राशि। गुरु की कृपा से पराक्रम बढ़ेगा और भाग्योदय होगा, मानसिक रूप से शांति मिलेगी और कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को शनि के मार्गी और बुध के गोचर से धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में तेजी होगी, उसका सुधार होगा, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। चार राशियों के लिए यह शुभ रहने वाला है दीपावली का अवसर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अगली आप ही की राशि है। अगली राशि है कर्क राशि। शनि मार्गी से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि के चलते नौकरी से सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार में किए गए परिश्रम का सकारात्मक फल भी आपको मिलता हुआ दिख सकता है। उसके अगली राशि है कन्या राशि। शनि मार्गी और बुध का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। नौकरी पेशा है तो उन्नति होगी और व्यापार में तो आपका बहुत जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। अगली राशि की बात की जाए तो वह है कुंभ राशि। दीपावली के अवसर पर नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है आपके लिए, या कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा। शनिदेव और मां लक्ष्मी की विशेष आपको पूजा करनी चाहिए। अगली राशि है मीन राशि। आपके लिए भी दिवाली गुरु और शनि की कृपा से शुभ रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इन दिनों आप अचानक से मैच्योर हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि मैच्योरिटी का योग बन रहा है। पांच राशियों के लिए यह दिवाली मिला जुला रहेगा, कोई ना अच्छा रहेगा तो ना खराब रहेगा। ध्यान से सुनिए। पहली राशि है वृषभ राशि। आपको धन की किल्लत से छुटकारा मिल सकता है, परंतु कठिन परिश्रम से ही नौकरी या व्यापार में सफलता मिलेगी। सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में मिलेगा नहीं। दूसरी राशि है मिथुन राशि। आपके लिए दिवाली का समय आर्थिक रूप से शुभ तो रहेगा, लेकिन परिवार और जो सेहत है उसको लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, बस सतर्क रहना पड़ेगा, जो कि होना भी चाहिए। तीसरी राशि है सिंह राशि। नौकरी के लिहाज से यह समय सही है, लेकिन रिश्ते और सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। आर्थिक नुकसान भी हल्का सा आपको हो सकता है, जरा सा। अगली राशि है तुला राशि। जिस बीमारी से आप लंबे समय से परेशान थे उससे आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है, लेकिन आर्थिक हानि होने से आपको बचना होगा, रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। और अंत में राशि है वृश्चिक राशि। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक सुख में कमी होने की संभावना है, होगा नहीं, संभावना है, बच के रहिए। परिवार के सदस्यों का सम्मान कीजिए और उनकी भावनाओं का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह अपनी राशि के बारे में जान सकें, कुछ मोटिवेशन दे, किसी की जिंदगी बना सकें। अकेले ही मत देखिए। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिए। धन्यवाद।